हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पी फ्रॉम आर्म्स स्कूल। आई एम हेयर यू ऑल टू टीच हिंदी। मैं आप सबको हिंदी पढ़ाने के लिए उपस्थित हुई हूँ। पाठ नंबर 5, वाक्य। इस पाठ में हम लोग पढ़ेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और वाक्य कैसे बनता है, इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं। शब्दों या पदों के सही मेल से बनने बने समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। शब्दों या पदों के सही मेल से बने समूह को वाक्य कहते हैं, जिसका कोई अर्थ होता है। वाक्य का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। बिना अर्थ वाला कोई वाक्य नहीं होता है। वाक्य के दो भाग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य और विधेय होते हैं, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। हिंदी भाषा के वाक्यों में सभी शब्दों का निश्चय ही स्थान है, निश्चित स्थान है। हिंदी भाषा के वाक्यों में सभी शब्दों का निश्चित स्थान है। इनमें काम करने वाले पहले आते हैं और काम को बताने वाले शब्द बाद में आते हैं। इनमें काम करने वाला पहले आता है और काम को बताने वाला शब्द बाद में आता है। इन वाक्य को देखिए, देखिए कैसे, जैसे आम, मैं आम खाती हूँ। ये देखिए, मैं कौन सा काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अभी आम खाती हूँ, ठीक है। चिड़िया उड़ रही है, चिड़िया क्या कर रही है, उड़ रही है। सुरेश पत्र लिख रहा है, सुरेश कौन सा कार्य कर रहा है, पत्र लिख रहा है ना। सीता नाचती है, सीता क्या कर रही है, नाचती है। कविता पानी पी रही है, कविता क्या कर रही है, पानी पी रही है, ठीक है। तो हमने जाना शब्दों के सही मेल से बने समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के सही मेल से बने शब्दों को वाक्य कहते हैं। काम करने वाला शब्द वाक्य के शुरू में आता है। काम को बताने वाला शब्द वाक्य के अंत में आता है। काम के शुरू करने वाला शब्द शुरू में आ जाता है, काम के बताने वाला शब्द अंत में आता है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, अभ्यास करते हैं प्रश्नों के। प्रश्न अभ्यास। वाक्य किसे कहते हैं लिखिएगा। वाक्य के कितने भाग होते वाक्य के कितने भाग होते हैं, है ना। नाम लिखिए, है ना, लिखिएगा ना। धन्यवाद।